हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल और गीक वर्ल्ड में। मैं हूं KTM हस्क्वर्ना शोरूम पे और मेरे साथ है दोनों हस्कीस। तो इस दोनों के कंपैरिजन में बोलने वाला हूं क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। एक्चुअली इंडिविजुअल अगर आपको चाहिए तो मैं आई कार्ड में इसका इंडिविजुअल वीडियोस का ऑप्शन दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो। तो चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको डिज़ाइन में डिफरेंस मिलेगा वो है ये। इस गाड़ी में मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार्स है जो आपको स्पोर्टी नेचर रखेंगे, और इस वाले गाड़ी पे आपको क्लिप ऑन्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल हैंडल बार मिलता है जिससे आपको बहुत ही आरामदायक मतलब लॉन्ग रूट के लिए अच्छा है। तो स्पोर्टी के लिए ये, अगर नहीं तो ये। दूसरी जो नोटिसेबल चेंज है वो है इस पर लगेज रखने की जगह। यहाँ पर टैंक पर आपको लगेज रखने का जगह है, यहाँ पर टैंक बिल्कुल आपको क्लीन मिलता है, बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पे विटपिलिन, यहाँ पे स्वाटपिलिन तो लिखा हुआ ही है। और एक जो मेजर चेंज है इन दोनों में वो है इनका जो कलर्स। ये जो कलर है, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड पे सिल्वर कलर है, यहाँ पे एलुमिनियम फिनिश है, यहाँ पे एलुमिनियम फिनिश है, यहाँ पे भी फिनिश है, यहाँ पे भी एलुमिनियम फिनिश है, बट यहाँ पे क्योंकि ये ब्लैक कलर का फिनिश है तो इसका जो पूरा पोर्शन है ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर है। इसका जैसे एलुमिनियम फिनिश है, इसका ब्लैक फिनिश है। तो और एक जो छोटा चेंज है, रेडिएटर पे आपको ये नियॉन फिनिश मिलेगा, पर यहाँ पे वाइट कलर का फिनिश है। और बाकी बचे जो डिफरेंसेस हैं इस पे, यहाँ पे एक प्लेट है प्रोटेक्शन के लिए, पर इस गाड़ी पे आप जब देखोगे तो इस पे कोई प्लेट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और हस्क्वर्ना का लोगो है इस पे। और एक जो मेजर चेंज है इसमें तो वो है पीछे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ रोड स्पेक के टायर्स है और यहाँ पे नॉर्मल रेडियल्स है। दोनों 150 सेक्शन के हैं पीछे, और सामने है 110 सेक्शन के टायर्स। तो इसको लेके आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बट इसको नहीं। और इसमें है स्प्रिट सीट, इसमें नॉर्मल सिंगल पीस सीट। दोनों में LED लाइट्स बिल्कुल सेम है, ग्रैब हैंडल्स बिल्कुल सेम है, फुट पैक पोजिशन बिल्कुल सेम है, और अपसाइड डाउन फोक्स 43mm के WP के एपिक्स, और क्या बोलते हैं, ब्रेक जो है वो है बाई ब्रेक की तरफ से 320mm के डिस्क। दोनों में ही डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी राउंड और इसमें भी राउंड। तो क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप का है, बहुत ही फंकी और रेट्रो फीलिंग देता है आपको। तो दोस्तों इन दोनों का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, 2,09,000। ऑन रोड पे आप दोनों को खरीद सकते हो। तो डिफरेंस यही है, अगर आपको स्पोर्टी नेचर का कोई बाइक चाहिए जो आपको मतलब ऐसे एंगल में बिठाए, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे एकदम स्पोर्टी टाइप का गाड़ी, तो आप विटपिलिन को चूज़ कर सकते हो। नहीं आपको थोड़ा कन्वेंशनल बाइक चाहिए, बहुत ही आरामदायक चाहिए, तो आप स्वार्टपिलिन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो ये बैठा मैं, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें बिल्कुल हार्ड वो कर सकते हो। तो इन दोनों का प्राइस 2,09,000 है, और इसी से मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ऐसे कंपैरिजंस पसंद आए तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट वो तो है। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बेझिझक कर सकते हो, मैं कभी भी फ्री हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और आपको जवाब भी दे दूँगा। तो ये था हस्क्वर्ना का विटपिलिन और स्वाटपिलिन, सॉरी हुस्क्वर्ना। तो बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।